हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षाज परफेक्ट प्लेट। और आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी ग्रेवी चिली पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप ऐसे तो खा ही सकते हैं, आप चाहें तो इसे फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए बिना देरी के आज की रेसिपी शुरू करते हैं, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हमें पनीर को मैरिनेट करना है, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम पनीर को ट्राइंगल शेप में कट कर लिया, आप स्क्वायर भी कट कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, कश्मीर रेड चिली पाउडर और साथ में कॉर्नफ्लावर। आप कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो। और इसे जेंटल हाथों से बस ऐसे टॉस करते हुए मिक्स करना है। ट्राई करिए इसमें स्पून नहीं लगाइएगा, नहीं तो इस जो स्पून लगाने से जो पनीर है वो टूट सकता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट्स के बाद इसे हम फ्राई कर देंगे। तो आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे थोड़े से ऑयल में शैलो फ्राई कर रही हूँ। और एक तरफ गोल्डन कलर आने के बाद इसे फ्लिप कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमारे जो पनीर है वो बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए हैं। इस पनीर को मैं ऑयल से निकाल लेती हूँ और जो पैन में ऑयल बचा है इसी में डाल रही हूँ मैं गार्लिक और जिंजर, तो जो कि फाइनली चॉप किए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ग्रेवी रेडी करेंगे अपनी चिली पनीर की। इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गार्लिक और जिंजर को सौते करने के बाद इसमें डाल दिया मैंने अनियन, और अनियन को भी बस 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। सारी कुकिंग हाई फ्लेम पे ही करेगा, ध्यान रखिएगा, तभी वो स्मोकी टेस्ट आ पाएगा इसमें। इसके बाद डाल रही हूँ मैं चॉप की हुई ग्रीन चिलीज और डाइस किए हुए प्याज और कैप्सिकम। प्याज और कैप्सिकम डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़े स्पाइसेस, जैसे ब्लैक पेपर पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही डालिएगा, इसे कलर बहुत बढ़िया आएगा आपकी चिली पनीर में। हाई फ्लेम पे फिर से इसे 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हाई फ्लेम पे करिएगा, सो दैट इसमें क्रंच जो है वो मेंटेन रहे, सब्जियाँ सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें डाल देंगे सॉसेस, तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और साथ में टमेटो केचप। आपके पास अगर कोई भी एक आध सॉस नहीं है तो भी चलेगा। इसके साथ डाल रही हूँ मैं शेजवान सॉस थोड़ी सी ज़्यादा, और सोया सॉस और थोड़ा सा विनेगर। सबकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलेगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसे फिर से हाई फ्लेम पे ही 30 सेकेंड्स के लिए हम कुक करेंगे, और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। तो हम ग्रेवी चिली पनीर बना रहे हैं तो मैंने पानी लगभग 1 कप डाला है। अगर आप ड्राई चिली पनीर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ 1/2 कप पानी में भी काम हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसकी स्लरी रेडी कर ली है, और इसे डाल देंगे अपनी चिली पनीर की ग्रेवी में, सो दैट ये थोड़ी थिक हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बॉईल इसमें आने देंगे। अगर आपको थोड़ा ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चिली पनीर की ग्रेवी का बेस बिल्कुल रेडी है। इसमें डाल देंगे हम एक एक करके जो हमने पनीर फ्राई करे थे वो। तो आप चाहें तो यहाँ पनीर मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गोभी फ्राई करके सेम तरीके से चिली गोभी भी बना सकते हैं। तो अच्छे से पनीर को डाल के मैंने इसे 1 मिनट कुक किया है ग्रेवी में, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारी डिलिशियस ग्रेवी चिली पनीर बन के बिल्कुल तैयार है। इसे मैं गर्मा गर्म एक बोल में सर्व कर रही हूँ और थोड़े से स्प्रिंग अनियन के साथ गार्निश कर रही हूँ। और बस इसे सर्व करिए थोड़े से फ्राइड राइस के साथ, या फिर सिर्फ ऐसे ही, और गर्मा गर्म इसे इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।